everyone, welcome to our channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास नंबर आपका 108 है. आज की क्लास में हम लास्ट क्लास से थोड़ा कंटिन्यू करके उसके बाद हम इसको एवोगाड्रो कांस्टेंट को डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ साथ हम मोलर मासेस क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. इससे पहले प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोज़ डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सके. बिकॉज बेसिकली कुछ बच्चों को मैंने न्यूमेरिकल कराया था, तो हो सकता है उन्होंने बोला कि मैम कैलकुलेशन भी करके बताएं और डायरेक्टली ना बताएं. बेटा वो बहुत सिली कैलकुलेशंस होते हैं, इस वजह से मैंने उसको आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बताया था एंड आंसर भी इसीलिए गिवन कर दिया था फॉर दैट कि अगर आप अपने आप से प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की सो आपका ही कैलकुलेशन इम्प्रूव होगा एंड दैट यू कैन गेट टू नो. और वैसे भी कुछ बच्चों को दिक्कत आई थी कैलकुलेशन में, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन पे वैल्यूज डाल के दे दो सो दैट आई कैन गिव यू दैट कैलकुलेशन, मैं वहीं पे आपको बता दूंगी. एंड सेकेंडली, आप कोशिश करूंगी सारे कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी आपको करके दिखाऊँ सो दैट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिटेड हो और आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा बस यही एम है कि आपको जितना ज़्यादा अच्छे से और क्लियरली समझ में आ जाए उतना ज़्यादा हम अपने तरफ से एफर्ट से. सो प्लीज़ आज से आपको ये शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपको कैलकुलेशन डायरेक्टली मिल जाएगा, आपको मैं करके पूरा बताऊँगी. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ योर knowing that one mole of carbon weight is 12 gram, the number of the atom in it equals to. So basically one carbon का जो one होता है आपका weight जो वो क्या है 12 gram है, इसीलिए मैंने equal to में 12 gram mole 12 of carbon जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है उस वो मैंने लिया 12 gram of 1.992648 into 10 to the power minus 23 gram 12 of carbon. ये मैंने last classes में आपको बताया है. जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा क्या कर सकते हैं, हम इसको पॉइंट हटाएंगे एंड देन हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो जीरो हैं वो ऊपर बढ़ा सकते हैं या यहाँ पे भी हम इसको माइनस कर सकते हैं. इसके हिसाब से अगर मैं 6 जीरो यहाँ पे, ये 23 है, अगर मैं 6 जीरो यहाँ पे लगाऊंगी तो बेसिकली मैंने ये माइनस में है, ये ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो नो वे केस कि हम ऊपर हमने 6 जीरो बढ़ा लिए. देन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन कट इट आउट बाई 2, बिकॉज यहाँ पे 8 है लास्ट में, वहाँ पे लास्ट में 0 है, तो हम उसके हिसाब से कट कर सकते हैं. एंड अगर कुछ ऐसे वो लोग जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो प्लीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप उसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कोशिश करा करो कि खुद से सॉल्व करो, क्योंकि खुद से सॉल्व कर लोगे बेटा तो फिर आपको कैलकुलेशन एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज फिर वहाँ पे कहाँ कैलकुलेटर लेके आओगे. और सीबीएसई बोर्ड में तो बिल्कुल भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, सो उस केस में भी आपके लिए दिक्कत हो सकती है. ठीक है, तो इसका जो आंसर आप सॉल्व करके दिखाओगे वो 6.022813 इंटू 10 to the power 23 एटम पर मोल है. ठीक है, नेक्स्ट, ये एटम यहाँ पे और ये आपका मोल यहाँ पे, इसलिए एटम पर मोल यूनिट हुई है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट दिस नंबर ऑफ द एंटिटीज इन वन मोल इज सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज गिवन अ सेपरेट नेम बाय एन सिंबल, इट इज नोन एज एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट. सो ये जो नंबर है एंटिटी का, इसी को ही एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक दिया गया और अलग से सेपरेट करने के बाद उसके सिंबल के साथ उसे एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट बोला गया है. डिनोटेड बाय Na, Na से एवोगाड्रो कॉन्स्टेंट डिनोट किया जाता है इन ऑनर ऑफ Amadeo Avogadro. Amadeo Avogadro जो है, इन्होंने ही Avogadro कांस्टेंट के बारे में बताया था, इसी वजह से इनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए Avogadro कांस्टेंट बोला गया, उसको डिनोट Na से डिनोट किया गया. टू द रिसेंटली अप्रिशिएट लार्जनेस ऑफ देयर नंबर, लेट अस राइट ऑल द जीरोज विदाउट यूजिंग एनी पावर ऑफ 10. सो बेसिकली जो भी हमारे पास लार्जर नंबर होता है जीरोज का, अगर तो हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं पावर में. बट अब जो ऐसे पावर, ऐसे जो बड़े बड़े नंबर हैं उनको पावर में ना यूज़ करके उसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो किस तरह से वो रिप्रेजेंट होता, दैट व्हाट आई हैव टू शो इज. ओके, सो यू कैन सी दैट हियर 6022136700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 
ऑल दैट एंड लिखने में ही एक्चुअली दिक्कत होने वाली है. आपको सब देख सकते हो तीन यहाँ पे, तीन छः नौ बारह पंद्रह एक सोलह, सोलह जीरोज हैं आपके
सो ऑलरेडी आप खुद सोचो इसको रिप्रेजेंट अगर मैं 6.02213 6.7 और जीरोस की पावर लगा दूं तो आई थिंक दैट इज इजी एज कंपेनी एंटिटीज एटम्स मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट वन मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस दैट वी कैन देयरफॉर से दैट वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 6.022 आई हैव टेकन हियर इतना पॉइंट लगाया है इनटू 10 टू द पावर 23 एटम 16 यहां पे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड हमारा सॉल्ट होता है दैट इज NaCl NaCl की बात करते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड सो बेसिकली क्या होता है कोई भी अगर 1 मोल है दैट इज इक्वल टू द सेम एंड आफ्टर दैट हैविंग अ डिफाइंड that the mole it is easier to know the mass of one mole of a substance of a constituting entity so किसी भी you know mole किसी भी substance का mole निकालना it's as compare easy उतना है जितना आपका क्योंकि आपको पता है one mole कितना equal होता है एक particular substance का that is 6.022 into 10 to the power 23 of that particular substance molecule so उसको easily आप find out कर सकते हो and I think you can do that so that's the reason why it is too easy and then moving on with the molar mass that So here you can see that for the molar mass, having a defined the mole, it is easier to know that one mole of the substance of the constituent entity, जैसा कि मैंने बताया, the mass of one mole of substance, अगर हम mass of one mole of substance की बात करते हैं, is in grams, is called as molar mass. तो अगर हम mass of one mole substance की बात करें, वो भी grams में, तब उसे हम molar mass कहते हैं. Write this definition for the molar mass. The molar mass in the gram is numerically equals to the atomic per molecular mass. This is a slash and that you can take as atomic that molecular and for the formula mass as well molar mass of water ka molar mass ki baat kare 18.02 gram hai and molar mass of sodium chloride ki agar hum baat karte hain that is 58.5 gram hai so all that what we have to discuss molar mass humne dekh liya sari cheeze humne dekh liye to please go through karo fir bhi koi dikkat hoti hai to you can inform me as accordingly so that I will be there for you in any of the circumstances so class aaj ke liye itna hi thank you hope you enjoyed this video if you like this video please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box thank you